टिकरी के घोलनिया गांव में कहर बन बरसी बरसात, कहीं कहीं नहर तो कहीं मार्ग, किसानों के घरों में घुसा पानी, खेतों के हाल हुए बेहाल। टिकरी के ग्राम के घोलानिया में बीती रात बारिश का कहर ग्राम के मुख्य मार्ग पर सड़क की साइड शोल्डर बही। इस घोलानिया मार्ग से हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं। करीब 200 फीट से अधिक दूरी का हिस्सा बहने से ग्रामीणों के हादसे होने का भय सता रहा है। वहीं ग्राम के ग्रामीणों के घरों में कमर तक पानी भरने से घरों में सामान, खाद, भूसा सब बह निकला है। वहीं 50 से अधिक किसानों के खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई, तो खेतों में पानी भरने से खेत की मिट्टी बह गई और पथरीला खेत होने से बंजर हुई भूमि। 150 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में लगी फसल नष्ट हो गई। वहीं खेत में बने कच्चे कुएं भी पत्थर मिट्टी से भरने से बह गए। वहीं बिजली की गड़गड़ाहट से किसान के घर के बाहर बंधा बेल भी मर गया। वहीं 171 नंबर पर बनी टनल के हाल बेहाल हो गए। टनल तक पहुंचने तक जहां मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो नहर के कुछ हिस्से भी बह निकले हैं। इस क्षेत्र की नहर को बने मात्र 2 माह हुए हैं, जिसके हिस्से बहने से साथ ही साथ वहां का मार्ग भी बहुत 4 फीट से अधिक गहरे गड्ढे बन नालियों में तब्दील हो गए हैं। नहर पर रखी किसानों की करीब 15 से अधिक मोटरें नहर के बहाव में बह गई, तो आसपास के किसानों की हुई पाइपलाइन के पाइप भी बह गए। कहाँ से निवासी हैं आप? घोलानिया। क्या समस्या है? पानी बहुत बड़ी बारिश हुआ, नाले से पानी निकला, वो पूरा तोड़ दिया पुल के पास से, कपास का पूरा नुकसान ही हो गया, पत्थर पूरा बह गया, काली मिट्टी पूरी निकल गई नाले के पास से। कितने किसानों का नुकसान हुआ? कम से कम 40 किसान का होगा, 40-50 किसान के। ये जो मट्टी है आपकी, ये बह गई और पत्थर ऊपर आ गया, इससे क्या समस्या रहेगी? कहीं नहीं, अब क्या, वो सब निकल गए पत्थर पूरे, खेती पूरे पूरे खत्म हो गए, पंजर हो गए। कहाँ से निवासी हैं? घोलानिया से। क्या समस्या दादा? पानी रात का आए थे, शुक्ला भी गीला हो गया, घर में पानी घुस गया कमर बराबर, आटा भी चली गया, बर्तन भी निकल गया, खाद भी 40 बोरी वो भी गल गया। क्या नाम है आपका? जुमा भाई। कहाँ से निवासी हैं? भुलानिया का जी। क्या समस्या है? बहुत रात का पानी गिरा है, तो उधर से नाला घुस गया, उधर पीछे का दरवाजे से हमारा शुक्ला भी बोई गया, हमारा बर्तन भी बोई गया, मेरा खाद भी पूरा तीर गया, सब वो भी खराब हो गया, 30-40 बोरे। मेरा बच्चा भी तल पलता करता तो मेरा सब टांगा गया वहीं की वहीं, तो बच्चे के लिए भागों की मेरा बर्तन को पकड़ो। इतना बारिश गिरा समाये नहीं पानी इधर न उधर। आपके घर में कितना पानी घुसा था? कमर आ गया था, ये मेरी कमर बसता। और क्या क्या नुकसानी हुई है? बर्तन भी गया, खाने का वाटा भी गोई गया, डब्बो गयो। आपको खुटी नहीं मिली है? नहीं। कितना समय हो गया? बहुत समय हो गया, मेरा अभी तक खुटी नहीं मिली। कागज दिए हैं आपने? नहीं। ग्राम घोलानिया जी, क्या समस्या है? हमारे गांव का मेन मार्ग है, जो मेन रोड से मदराना टच होता है, वो एक हिस्सा जो रोड से एक हिस्सा पूरा बह गया है, उसमें गड्ढा कम से कम 5 से 7 फीट का गड्ढा हो चुका है टर्न में, और यहाँ से कम एक दिन में हजारों गाड़ियाँ निकलती है, और यहाँ बड़ा हादसा होने की संभावना है। कितना समय हो गया इस मार्ग को बने? इस मार्ग का कम से कम 4 से 5 साल के अंदर का है बना हुआ। कितने फीट में ये गहरा हुआ है और कितना फीट लंबाई में ये दुर्घटना हुआ है आपको? ये 5 से 7 फीट का गहरा गड्ढा हुआ है, एक साइड का मिट्टी बह चुका है, और कम से कम 200 फीट, 150-250 फीट की लंबाई है इनकी। ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये मार्ग मेन रोड घोलानिया से मदराना टच होता है, सीधा मार्ग है। ये हाईवे टच मार्ग है? हाँ, हाईवे टच मार्ग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हीरा लाल। कहाँ से निवासी है? घोलानिया जी। क्या समस्या है? हमारे यहाँ रात को बारिश हुई इतनी खतरनाक कि इससे पहले, आज से 40 साल पहले भी अभी तक ऐसी बारिश नहीं देखी थी। हमारी खेती में जितनी मिट्टी थी सब पूरी बह के पत्थर निकल गए, अब उसके बाद हम खेती करने लायक नहीं रहे, हमारी ज़मीन बहुत ख़राब हो गई। फसल भी जो घर में कपास था वो भी बह गया, मक्का लगाई थी वो भी गई, नाला आया तो सब जो पाला वाला था वो सब तुरंत तोड़ ताड़ के रख दिया है, पूरी नष्ट हो गई हमारी ज़मीन। अब इसको खेती को संभालने के लिए क्या करेंगे, पत्थर आ गए तो क्या, कहीं कमाई भी नहीं होगी। मैं घोलानिया।
रात को बहुत भारी से भारी बारिश हुई, जिससे हमारे खेतों में जो मिट्टी थी वो नाले के पास थी, जो सब बहकर चली गई और नीचे जो पत्थर आ गए। अब आगामी फसल हम कहाँ से लेंगे, और फसल भी बह गई है, मिट्टी बह गई है। करीबन हमारे गांव में 70 के लगभग के किसानों का जो नुकसान इतना हुआ है, उनको आगामी फसल लेने के लिए कहीं जगह ही नहीं बची उनकी, सब मिट्टी बह गई है। मिट्टी बहने से खेत खराब हो चुके, खेत बिल्कुल बंजर जैसा हो गया, वो कल्टीवेटर भी नहीं चलेगा उस जगह में, ऐसे पत्थर आ गए वहाँ पे। ऐसी खेती का नुकसान हुआ है लगभग 60-70 किसानों का लगभग होगा, 150-150 एकड़ लगभग में। कहाँ से रहने वाले हो? घुलानिया जी, क्या समस्या है? ये रात को पानी गिरा तो ये नाला आया, बहुत खेत में पानी निकलिया तो सब ये मट्टी बोई गई, फसल भी बोई गई, सब नुकसान बहुत हो गया। हमारा कुआं था तो उसमें पानी गिर गया, वो पाला ऊपर था तो वो कुआं में सब पत्थर न मट्टी ने भर दी, बराबर कर दी, तो मैं हम पियत कैसे करांगा अभी। कितनी ज़मीन खराब हो गई? ये कम से कम 1-1.5 एकड़ हो गया, तो 1 एकड़ होगा कहीं। फसल खराब हो गई या फसल भी खराब है, कुआं भी गश्त हो गया। हाँ बोलो। हाँ पानी गिरा तो ये नाला खेत में फिर गया, तो मट्टी सब बोई गई ना, अभी पत्थर निकाल दिया, अभी फसल भी थी सब उखाड़ के फेंक दी ना, कहीं नहीं मिले ना। अभी कुआं भी यहाँ था तो उसमें वो पाला ऊपर देला था तो वो सब कुआं में मट्टल ने पत्थर ने डाल दिया, पूरा बुझा गया, तो हम फसल कैसे गाड़ांगा ना कैसे हम। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट ठिकरी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।